हो जाएगा ना हो जा रहा है, लेकिन पूरा सराउंडिंग भी आया रहा। उस दिन कैसे किए थे, क्या किए थे? रिस्क नहीं है ना? देखिए नहीं, रिस्क तो नहीं है। हाँ ठीक है, सही ठीक है। नहीं भी आ रहा है, वहाँ जाइए ना आप, तब ठीक हो जाएगा। सवाल आपसे पूछ रहे हैं, शादी हुई कि नहीं? आप मार रहा है, बड़ा भाई को मार रहा है, गलती हुई सारी। तू बड़ा भाई को परहा है, तू हंसी में आ गया, मार बोल होता है। लगे इसको गाड़ियाँ पे लिखे हैं, पहला क्या है वलादुन, दूसरा क्या है मस्जिदुन। वलादुन मतलब, वलादुन मतलब बाप ना बेटा, वलद मतलब बेटा, वालिदुन ठीक है, वालिद मतलब होता है बाप, वलादुन मतलब बेटा ठीक है, बॉय बॉय बेटा नहीं बॉय ठीक है, बॉय। वलदुन का जमा है औलादुन, बॉय ठीक है, औलाद गर्ल्स बॉयज को दोनों मिला के भी माना कर सकते हैं, लेकिन मेन उसका मीनिंग क्या, वलदुन माने बॉय लड़का, उसका जमा है औलादुन। लड़की के लिए क्या लफ्ज है अरबी में, लड़की माने बॉय का अपोजिट में क्या है, बिंतुन, ठीक है, बिंतुन बिंतुन, बिंतुन माने एक लड़की, बिंतुन माने बेटी भी हो सकता है, और जमा क्या है बना, बनातुन, बिंतुन बनातुन, वलदुन औलादुन, तो वलदुन मस्जिदुन। वलदुन मतलब क्या है लड़का, मस्जिदुन मतलब क्या है मस्जिद, माने अगर हम पूछें कि इसका एक्यूरेट माने एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, इसम के एतबार से वलदुन और मस्जिदुन क्या है, इसम के एतबार से सिंगल है, सिंगल है ठीक है, और क्या चीज़ हम बताए थे लास्ट क्लास, इसम का किस्म किए थे नकिरा है, नकिरा का मतलब क्या है, इंडेफिनिट, अनस्पेसिफाइड या फिर आम ठीक है, आम है, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माने क्या निकले है? कोई भी, एनी ठीक है, अब बॉय अ मस्जिद ठीक है, अब उसको हम क्या कर सकते हैं, पिछले क्लास में सीखे थे हम अलिफ लाम लगाने से क्या हो जाएगा, अलिफ लाम लगा देने से
इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी आपको अगर अरबी का इसम दिया जाए, क्या दिया जाए, इसम फेल नहीं, ठीक है, इसम मतलब क्या, नाम, नाम शख्स का नाम, चीज का नाम, जगह का नाम, कोई नाम, काम का भी नाम, सोच, कोई सोच, ये ठीक है, सिफत, खूबी, आज हम बोलेंगे फेल, फेल मतलब नाम नहीं, फेल मतलब काम होगा, काम होगा और काम करने, काम के साथ साथ क्या होगा, एक काम करने वाले का तसव्वुर होगा उसके, और इसके अलावा मतलब ज़माना होगा, टेंस होगा, डूअर एंड टेंस, प्रेजेंस ऑफ डूअर एंड टेंस, इसमें फेल है। और तीसरा जो ना इसे में ना फेल है, हर्फ है, हर्फ मतलब उसका माने तब तक क्लियर नहीं होगा, अनक्लियर वर्ड जो होता है जब तक कि उसके बाद कोई सपोर्ट, सपोर्टिव वर्ड चाहिए, जब उसके जब तक उसके साथ कोई इसे या फेल ना हो तो उसका माने भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। जैसे मिसाल क्या, फी मतलब में, आला मतलब पर, ठीक है, रिविजन हो गया, इसका रिविजन हो गया, यह हुआ क्या, नकिरा इसम, ये हो गया क्या, उसी को हम लोग मारिफा में तब्दील कर दी, मारिफा बना दी, ठीक है। आज जो है बोर्ड में बुलाएंगे आप लोगों को लिखने के लिए, तैयार रहिए, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग का रिवीजन हो गया, उसके बाद हम लोग क्या, इस्मुल, इस्म इशारा, इस्म इशारा भी हम लोग क्या किए थे, इशारा करने वाला क्या, इशारा करने वाला इस्म, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर कुछ है नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सुकून, जज़्म है, सुकून है, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, शुरू शुरू में रहेगा बाकी नहीं रहेगा, शरीरों पढ़ा जाएगा, ठीक है, ये देने का जरूरत है नहीं, समझ में से आता है, हाजा सर शरीर, हाजा कैसे पढ़ा जा रहा है, हजा नहीं, हले लिखा रहेगा, ऐसा पूरा हरकत रहेगा, हजा, लेकिन आप पढ़िएगा क्या, हाजा, ये पढ़ा जाएगा, ठीक है, पढ़ा जाएगा हाजा, अलिफ पढ़ा जाएगा, किताब में ऐसा दिया रहेगा, जबर से मैंने पढ़ा, और ऐसा भी दिया रह सकता है किताब में, यानी कि अलिफ, ठीक है, और अगर नहीं भी दिया जाए तो आपको ये लफ्ज का मास्टरी हो गया है, उसके बाद भी अब क्या पढ़िएगा, अब तो पता चल गया इसका वावल हरकत क्या है, अब जरूरत नहीं लिखने का हमको लगता है ना, ठीक है, बाद में जब आपको पता चल जाएगा इसका माने भी, तो बाद में किताब में ऐसे लिखा हो रहेगा, आपको मालूम है कि ये शरीरुन नहीं है, सुरैरुन नहीं है, ठीक है, सुरैरुन ऐसा नहीं है, ठीक है, सिरैरुन ऐसा भी नहीं है, समझ गया ना, तो आपको पता है कि ये शरीरुन ही है, समझ गया, अभी लिख देते हैं, हाँ था शरीरुन, शरीर मतलब बेड, ठीक है, चारपाई, पलंग,
उसके तरफ क्या कर रहे, इशारा करके कह रहे हैं हम क्या, कि ये पलंग है, ये बेड है। उसके बाद अब है का माने कहां से आ रहा है अरबी में, क्या आपको है का कुछ लफ्ज दिख रहा है यहाँ पे? हाजा मतलब हो गया ये, सरीर मतलब हो गया क्या, पलंग। और है के लिए वर्ड कुछ है नहीं है, तर्जमा हम क्या कर रहे हैं, ये पलंग है। इंग्लिश में क्या होगा, दिस इज अ बेड। तो कहां से आ रहा है माने है का बताइए, है का माने कहां से आ रहा है, तो यहां पे नहीं है, तो कहां से आ रहा है माने, शरीर उनके आखिर में क्या है, आखिर में तनवीन है माने डबल, जिससे क्या जिसका माने निकलता है इज का, इस का माने निकल रहा है। ठीक है, तनवीन के आखिर में क्या, वर्ड लफ्ज़ के आखिर में क्या डबल है, इससे क्या माने निकलता है तनवीन से, इस का, यानी कि है का मतलब इस लफ्ज़ से ही निकल रहा है। ठीक है, तो ये पलंग है। अब उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद हमको कहना है कि ये आदमी है, उसको रहना की क्या बोल रहा, ये आदमी है। ठीक है, आदमी सामने जा रहा बोलते ये आदमी है। ठीक है, तो आगे बोर्ड में लिखना है। ठीक है, हाजा आदमी के लिए क्या लफ्ज है, हाँ आदमी के लिए क्या लफ्ज है, रजुलुन। तो हाजा रजुलुन लिखना है। ठीक है, हाजा सरीउन के नीचे में हाजा रजुलुन लिखना है। ठीक है, थोड़ा नीचे हो गया क्या है, हाजा शरीर हाजा रजुल, ये पलंग है, ये आदमी है। उसके बाद सामने के लिए हो गया। अच्छा, हाजा मतलब ये ना, फर्क क्या, दोनों दो सेंटेंस लिखे यहाँ पे, दोनों सेंटेंस पे डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है माने, क्या डिफरेंस है दोनों में, फर्क क्या है दोनों जुमला में? हाँ बहुत अच्छा, एक इशारा कर रहे हैं हम पलंग की तरफ, जो कि क्या है, नॉन लिविंग है या गैर आकिल है, या गैर आकिल। दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं हम लिविंग थिंग की तरफ, जो कि क्या है, आकिल है। तो हाजा लफ्ज जो है इशारा लफ्ज, ये दोनों के लिए लागू हो सकता है, किसके लिए, लिविंग नॉन लिविंग, आकिल के लिए भी और गैर आकिल के लिए भी। ठीक है, समझ में आया, इससे आकिल मतलब क्या होता है हम आगे जाके बताएंगे बाद में, आकिल किसको कहते हैं अरब लोग, किसको कहते हैं आकिल। ठीक है, आकिल में जानवर भी नहीं आएगा, जानवर नहीं आएगा, जानवर नहीं आता आकिल। ठीक है, अरब वाले के तो आएगा इंशाल्लाह, बता देंगे किसको आकिल कहते हैं, कौन कौन अकल वाले हैं अरब के पास। उसके बाद जालिका मतलब क्या हो गया, इशारा है दूर की तरफ, वो कहना, कोई आपको शॉप नजर आ रहा है, शॉप यानी कि दुकान नजर आ रहा है, उसके तरफ इशारा करके कहना है कि वो दुकान है, तो क्या लिखेंगे, जालिका दुकान। ठीक है, क्या कहते हैं रवि में दुकान को, दुकान। ठीक है, दुकान ही बोलते हैं, दुकान को दुकान बोलते हैं, काफ पर क्या है, शद्दा है, दुकानों अरबी वर्ड, दुकान अरबी वर्ड, दुकान। तो जालिका दुकान, जालिका में भी वही चीज है,
कि आप इसको क्या कर रहे हैं, अलिफ की तरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अज़ली का ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, रा अली, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी लिखा रह सकता है अलिफ छोटा सा, रा अली का, रा अली का दुकानुन, वो दुकान है। अब दुकान है तो दुकान में कोई होगा, बिजनेसमैन डीलिंग कर रहा होगा। अब क्या लिखना है कि वो बिजनेसमैन है, उसको लिखेंगे जीशान आप आगे कि वो बिजनेसमैन है। ठीक है, क्या बोलते हैं बिजनेसमैन को, ताजिर। तो आपको लिखना है क्या, जालिका ताजिरुन। जिम के बाद सीधा राग को ज्वाइन कर, ठीक है। तो लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए हैं लाली का ताजिर, लाली का ताजिर, लाली का ताजिर। लाली का यानी क्या समझ में आया कि पहला गैर आकिल की तरह इशारा हुआ, दूसरा में आकिल की तरह। तो लाली का भी जो इसम है वो भी आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, मतलब ये इशारा करने वाला इसम, हाँ, कितना इशारा करने वाला इसम किया हम लोग, दो। दो ऊपर में एक शॉर्ट फॉर्म बना ले, सब पिछले क्लास में किए थे। क्या है इसम है ना, दोनों इसम है। कैसा इसम है, इस्म इशारा पढ़ेंगे, पूरा स्पेलिंग इस्म इशारा, तीन तीन, ठीक है। तीन क्या बता रहा है, वो क्या हो गया, ओरिजिनल क्या था, तुन था, ठीक है, तीन हो गया। क्यों, कुछ कारण तो है, इसके पहले कुछ है जो क्या कर दिया उसको, इन कर दिया, ठीक है। बस है, क्यों है तो बात बताएंगे। इसके टर्म अरबी में क्या कहते हैं इसको, इस्म इशारा, ठीक है। क्या कहेंगे इंग्लिश में इसको, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंग्लिश का कहलाता है। हाजा जालिका इशारतिन, यहां इशारतुन क्यों, हां इशारतिन क्यों हुआ, हम लोग करेंगे इंशाल्लाह बाद में। अभी बस उसको इस्तेला है, कोई अगर कहता है, आप सवाल करता है कि हाजा जालिका को क्या बोलते हैं अरबी में, तो क्या कहिएगा, इस्मु इशारा, ठीक है, इस्मु इशारा। इशारा क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पता है, गोल ता पर कोई अगर लफ्ज खत्म हो रहा है तो हा हा का आवाज निकालेंगे आप, है ना। गोल ता पर कोई अगर लफ्ज खत्म होता है तो और आपको रुकना है उस पर, वक्फ करना, तो क्या कौन सा आवाज निकालेंगे, हा का आवाज निकले, इसलिए इस्मु इशारा, सही कह रहे हैं, इशारा, ठीक है। लेकिन पूरा अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, इस्मु इशारा। हाजा जालिका क्या है, इशारा करने वाला, इसे टेक्निकल टर्म उसका है इस्मु इशारती, इस्मु इशारा, ठीक है।
इसका मिसाल यहाँ पर आ गया। उसके बाद आज का सेकंड टॉपिक इशारे के लिए कोई और वर्ड यूज हो सकता है हाज़ और ज़ालिक छोड़ो। हाँ, और भी बहुत सारा वर्ड आएगा, मुंह देखेंगे इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप अभी दो ही है, दो ही सिखा रहे हैं, क्योंकि आपका जो पहला दो चैप्टर में ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, फर्स्ट टू चैप्टर हम लोग का हो गया, इसको करने के बाद बुक का, ठीक है, बुक को अकेले पढ़ना है हम लोग को। थ्री भी खत्म ही है, समझ, थ्री भी कर चुके हैं, उसका एक पार्ट बस नहीं किया। अब दो चीज दिख रहा है, क्या लिखे हैं यहाँ पे, मा हाजा, दूसरा क्या है, मा ज़ालिका। ये क्या चीज है, क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या है, क्या समझा, ये क्वेश्चन है, सवाल है, क्वेश्चन है, सवाल, ठीक है। अब दो चीज मेरे पास में है, एक बुक है, दूसरा क्या है, नोटबुक, मैंने नोट कर देगा कुछ भी चीज, नोट कर, ठीक है। इसको अगर हम रख देते हैं यहाँ पे, ये है क्या मेरे पास में, तो हम कहेंगे क्या, मा हाजा, मतलब हम क्या पूछ रहे हैं, ये क्या, क्या है? ये क्या है, अगर पूछेंगे हम मा ज़ालिका, वो दूर है तो सिल गया, मा ज़ालिका वो क्या है, ठीक है। मा हाजा मतलब ये मतलब ये सामने के लिए, ठीक है, ये क्या है, मा ज़ालिका वो क्या है, ठीक है। ऐसे भी तर्जुमा कर सकते हैं कि उल्टा तर्जुमा, माँ हाजा मतलब क्या, क्या है ये, तर्जुमा ऐसे भी हो सकता है ना, माँ मतलब होता है क्या, क्या है हाजा ये, ये सही है तर्जुमा, बल्कि लुगत के एतबार से तो पहले माँ आ रहा है, तो तर्जुमा करेंगे क्या है हाजा ये, दूसरा क्या है, माँ ज़ालिका क्या है, क्या है ज़ालिका वो, क्या है ये, क्या है वो, ऐसे भी तर्जुमा आप कर सकते हैं, ये क्या है या वो क्या है, ठीक है, तर्जुमा अलग अलग बता रहे आपको। तो महादा व्हाट इज दिस, मादाली का व्हाट इज दैट, तो ये है मेरे पास में, हाथ में क्या, बुक, तो हम क्या कहेंगे जवाब में, हादा किताबुन, हादा किताबुन, ठीक है, हाजा किताबुन, ये बुक है, ये किताब है, ये किताब है, हाजा किताबुन, और दूर में जो है क्या, ये नोटबुक, ठीक है, इसको लिखेंगे अपना भाई, आप आके लिखिए ये क्या है, ज़ालिका, बताइए क्या बोलते हैं नोटबुक को, जहाँ नोट करते हैं कुछ भी, नोट करते हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ, अटेंडेंस हुआ, या कुछ अपना नोट हुआ, ठीक है, दफ्तर कहते हैं उसको, दफ्तर, नोटबुक को, नोटबुक को, ठीक है, लिखिए दफ्तर, ज़ालिका दफ्तरुन, दफ्तर अरबी वर्ड है, दफ्तर अरबी वर्ड, ठीक है, लिखिए ज़ालिका हिंदी वर्ड, दफ्तरुन हिंदी का दफ्तर, दफ्तर भी हिंदी मतलब क्या होता है, ऑफिस हुआ, किताब होता है, कभी होता है, पता नहीं हिंदी क्या है, लैंग्वेज इससे बड़े वाद्य से है।
रविदास से पढ़े फिर भी नहीं हिंदी अच्छा है। रविदास नहीं हिंदी अच्छा, बाजार तो अच्छा है। बोलते क्या इतना वहाँ पर क्या होगा रकात दफ्तरुन ठीक है, हाँ सुकून हो गया जैसा होगा ठीक है उसमें ठीक है बाबू जी। यहाँ पे क्या होगा माँ गालिका दूर में क्या है, वो क्या है तो जवाब क्या आएगा वो दफ्तर है। गालिका दफ्तर वो कॉपी है, एक्सरसाइज कॉपी है या नोटबुक है। तो दफ्तर मतलब क्या होता है ऑफिस नहीं, दफ्तर मतलब क्या हो गया नोटबुक कॉपी एक्सरसाइज कॉपी ठीक है। अरबी में क्वेश्चन मार्क कैसे उल्टा जाता है, उल्टा देंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या है मन हाजा मन जालिका, मन हाजा मन जालिका, मन मतलब क्या है हाँ कौन ठीक है। ये माँ का मतलब क्या हुआ क्या 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 व्हाट व्हाट इसका मतलब क्या है हु कौन। अच्छा तो माँ भी कुछ सवाल करने वाला है ना लफ्ज है ना, सवाल करने वाला लफ्ज। मन भी क्या है एक सवाल करने वाला लफ्ज। तो मन हाजा अगर सामने में कोई स्टूडेंट खड़ा है और दूर में क्या खड़े हैं टीचर खड़े हैं, सामने स्टूडेंट दूर में टीचर, तुम क्या कहेंगे सामने वाला को लेके मन हाजा, कोई पूछता है मन हाजा ये कौन है सामने में तो जवाब क्या होगा हाजा स्टूडेंट, हाजा स्टूडेंट टून हाजा पॉलीबुन ठीक है, हाजा पॉलीबुन ये स्टूडेंट है, हाजा पॉलीबुन ये स्टूडेंट है। पॉलिप का जमा क्या है प्लूरल तुल्ला ठीक और है पालाबा पालाबा तुल्ला, हाजा पॉलिबुन ये स्टूडेंट है। आप नीचे में तर्जमा इसका लिख सकते हैं शुरू शुरू में, वैसे जरूरत नहीं है इंशाल्लाह, चाहे तो आप इसका ट्रांसलेशन नीचे में लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा है ना। जो नया नया लफ्ज आ रहा है जो नया जो आप नहीं जानते माने उसका माने आप नीचे में नोट कर लीजिए, नया नया जो लफ्ज आ रहा है उसका माने आप नीचे नोट कर सकते हैं ठीक है, नोट कर लीजिए जितना नया वर्ड आ रहा है ठीक है। जितना वर्ड आएगा फिर आप पूछ भी सकते हैं अच्छा ये वर्ड आया इसका प्लूरल क्या है जमा क्या है इसका ठीक है, तो उससे क्या होगा वोकैबुलरी आपका बिल्डअप होगा, जो मुफरदात है अल्फाज आप नया नया सीखेंगे ठीक है। जो नया वर्ड आ रहा है उसको साइड में नोट कर लीजिए वर्ड उसका मीनिंग इंग्लिश में हो या उर्दू में हिंदी में हो। बीच में सवाल कर सकते हैं अच्छा ये तो सिंगुलर है उसका प्लूरल क्या है जमा क्या है ठीक है, वह पूछ सकते हैं। दूर में खड़े हैं क्या टीचर भाउद्दीन भाई आप आइए, लिखना है क्या आपको कि वो टीचर है, टीचर को उस्ताद बोलते हैं ना हाँ, वो टीचर है उस्ताद लेकिन हमको दूसरा वर्ड यहाँ पर चाहिए टीचर के लिए। दूर में खड़े हैं टीचर तो आपको कहना है वो टीचर है, क्या लिखिएगा
जालिका क्या बोलेंगे टीचर को अरबी में? पढ़ाने वाला क्या कहे? मीम से शुरू होता है, मीम से, मीम से शुरू होता है, मीम के बाद दाल, मुदर्रिस। और आखिरी का मुदर्रिसुन, इससे है कमाने निकल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। जालिका मुदर्रिसुन, वो टीचर है, वो उस्ताद है। तो इसमें हम लोग क्या सीखे? दो चीज सीखे, माँ और मन। माँ और मन, अब इसको भी कुछ इस्तला होगा ग्रामर में, तो कहेंगे इसको पढ़ा नहीं जाएगा, अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो इस मुस्तफा में से पढ़ा जाएगा, इस मुस्तफा ब्रेक की करके पढ़ेगा, इसम इस्तफाम, ठीक है। कैसा इसम है ये? तो इसम है ये, जाने क्या हम लोग क्या जाना हमने, ये भी नाउन है, ठीक है। माँ और मन हर्फ नहीं है, भले हर्फ दिख के तरह सोच रहे होंगे आप, माँ और मन क्या है? नाउन है, इसम है। कैसा इसम है? इस्तफाम वाला है। इस्तफाम मतलब क्या? सवालिया, क्वेश्चन। इस्तफाम मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन करना, इसम इस्तफाम, ठीक है, इसम इस्तफाम, क्वेश्चन करने वाला इसम, नाउन ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। माँ का मतलब क्या हो रहा है? क्या। मन का मतलब क्या है? Who? कौन, व्हाट और हु। तो जब हम कह रहे हैं व्हाट, क्या, तो कोई चीज की तरफ ही ना मेरा है रेफरेंस। जब हम कह रहे हैं मन यानी कि कौन, उसी चीज की तरफ मेरा रेफरेंस है ना, तो क्या हो गया, ये आपका इसम है, नाउन है, ठीक है, हर्फ नहीं है, ये नाउन है। माँ और मन क्या है? नाउन है। तो मामा ने यहाँ कहा होगा, माँ मतलब यहाँ क्या, मन मतलब कौन। अच्छा, मन मतलब, ठीक है, इसका मीनिंग भी आप नीचे लिख सकते हैं, हाजा का लिख दे रहे हैं आप, क्या दिस जालिका हो गया, डैड माँ हो गया, व्हाट ये क्या, मन यानी हु कौन। Thank you.
ठीक है, कोई सवाल है अब तक इसमें? रिकॉर्डिंग वगैरह चेक कर लीजिए। और और कितने टाइप पहनो हमने बताइए, और नाउंस कितने टाइप है? नाउंस नाउंस बहुत टाइप का अभी और है, ठीक है। हाँ इंग्लिश में पढ़े ना, जिस तरह प्रोनाउन जितना टाइप का है, जितना टाइप का प्रोनाउन पढ़े हैं, जितना एडजेक्टिव्स पढ़े, सब तो नाउन ही है ना। ये पार्टिकल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, इंटरोगेटिव नाउंस, ठीक है, इंटरोगेटिव नाउंस। चांद को क्या बोलते हैं अरबी में? कमर। कमर पूरा स्पेलिंग क्या होगा? कमर कमरुन कमरुन। स्टार को? सितारा। नजमुन नजमुन, ठीक है नजमुन। सामने कौन है, कमर सामने है ना स्टार सामने? कमर, ठीक है। तो लिखना है हमको कि हाजा कमर, ये चांद है ना, तो क्या बोले आप? हाजा कमरुन, ठीक है। और दूर में क्या है? सितारा, क्या बोले? ज्वाइन करना हमको, ये कमर है, ये चांद है और वो सितारा है, तो कैसे लिखेंगे? हाजा कमरुन ज़ालिका नजमुन, हाजा कमरुन। उसके बाद क्या है? ज़ालिका नजमुन। तो ज्वाइन हुआ सेंटेंस, ज्वाइन कैसे करेंगे था? वाव 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 वाव, ठीक है। हादा कमरुन व ज़ालिका नजमुन, ये चांद है और वो दूर में जो है सितारा है, स्टार है। व ज़ालिका नजमुन, तो वाव हम लोग नया सीखे, वाव और मतलब क्या है? वाव होगा और एंड एंड। हाँ, अब वाव क्या होगा? कंजंक्शन, ठीक है। इंग्लिश में अरबी के हिसाब से वाव क्या है? इसम है, फ़िल है, या हर्फ है? हर्फ है, ठीक है। वाव का मतलब क्या है? हर्फ और, ठीक है। तो और में कोई चीज़ की तरफ कोई मीनिंग नहीं है, कोई चीज़ के रेफरेंस नहीं मेरे दिमाग में, तो वाव क्या है? हर्फ, इसम नहीं है। वाव मतलब और, तो बोलते चिल्लाते फिर और तो क्या समझ में आएगा? तो एंड ये हो गया नया वर्ड सीखे हम लोग, एंड एंड, ठीक है। कहते क्या है अरबी में? हर्फ है ना, वाव हर्फ है, पार्टिकल हर्फ है। वाव को कहा जाता है क्या? हर्फ, ठीक है। कैसा हर्फ है ये? जॉइनिंग वर्ब, क्या हर्फ अत्फीन, ठीक है। हर्फ अत्फीन, ठीक है। अत्फ मतलब होता है जॉइनिंग, ठीक है, जॉइन करना, जॉइन करने वाला हर्फ, यानी कि इंग्लिश में कंजंक्शन में से आएगा
ठीक है। अभी ये सब इस तरह अगर याद आपसे नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, अभी ये नया नया वर्ड आ रहा उसको आप जहन में रखिए, बस इस्तेलाज टर्मिनोलॉजी अगर आपसे याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं, इसमें इशारा तो वहाँ सिंपल है याद हो जाना चाहिए, इसमें इस्तेफाम अगर याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं, इतना याद रखिए माँ और मन सवाल करने वाला इसम है। नया क्या सीखे हम लोग यहाँ पे, वाव, तो वाव क्या है, हर्फ है अत्फ, अत्फ करने वाला है, अत्फ मतलब जॉइन, लिंक करना, कनेक्ट करना, कनेक्टिंग पार्टिकल, लिंकिंग पार्टिकल, ठीक है, कंजंक्शन। हादा कमरुन व ज़ालिका नजमुन, ठीक है। कोई सवाल यहाँ पे, तो दो सेंटेंस है, एक पहला सेंटेंस क्या, हाजा अमरुन, दूसरा सेंटेंस क्या, हाजा नजमुन, दो जुमला, दो जुमला को कनेक्ट करने वाला क्या है, वाव, ठीक है, वाव दो जुमला को कनेक्ट करता है, दो कलिमा दो वर्ड को भी कनेक्ट करता है, ठीक है, जुमला को सेंटेंस भी कनेक्ट करता है, वर्ड भी कनेक्ट करता है, जैसे कि इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद जॉइनिंग लेटर कुछ और भी हो सकता है, हाँ बोलिए, जॉइनिंग लेटर कुछ और भी हो सकता है, वाव के अलावा, हाँ और भी है जॉइनिंग लेटर, ठीक है, फा है जॉइनिंग लेटर, तुम्मा है जॉइनिंग लेटर, ठीक है, फा, फा भी वाह एंड का मान दे सकता है, फा का मतलब होता है तो, और ये सब मीनिंग फा का हो सकता है, तुम्मा, तुम्मा मतलब भी हो सकता है, फिर तब, फिर देन, ये सब भी जॉइनिंग लेटर, ठीक है, आएगा स्टेप बाय स्टेप। अब लिखना है क्या है यहाँ पे, कोई शख्स है वो रास्ते में निकला है, देखता है कोई जानवर को, ठीक है, कहता है देख करके उसको शक होता है, तो सोचता है कि गधा है या घोड़ा है, दो दोस्त चल रहा रास्ते में तो उसको लगता है कि गधा है, उसको समझ में आता है गधा, तो क्या कहता है कि ये गधा है, जानवर को देख के कहता है कि ये गधा है, कैसे लिखेंगे, ये गधा है, ये तो पता है ना, ये के लिए हादा है, ये के लिए हादा गधाउन, गधाउन हिमार, बहुत अच्छा, ठीक है, हिमार कुरान ने भी लफ्ज हिमार है, क्या होगा, हादा हिमारुन, हिमार किसके लिए कहा गया है कुरान में, कौन बताएगा, हिमार लफ्ज कहाँ इस्तेमाल हुआ है कुरान में, या किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, कैसे लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, मतलब आप क्या बोले, जो शऊर नहीं रखते इस्लाम का, दीन का, अब गधा के ऊपर अगर बहुत सारे किताब रख दे तो उसका मतलब क्या, गधा आलिम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है, सूरतुल जुमुआ में, ठीक है, मसलु लजीना हुम्मिलु तवरात थुम्मा लम यहमिलुहा का मसलु हिमार यहमिलु असफारा, ठीक है, चलो तो जुमा में आया था, इसको पढ़ लीजिएगा, तफसील मिल जाएगा, तफसील बताने